कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों हम चारों का फेवरेट चिकन, और वो भी सूखा चिकन बनाऊंगी दोस्तों। उसमें कोई ग्रेवी नहीं रहेगा, कोई मतलब ज्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाऊंगी, और ऐसा चिकन बना के आपको दूंगी ना दोस्तों। जब एक बार आप बनाएगा मेरे तरीके से तो आप बार बार बना के और खाओगे दोस्तों। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं चिकन बनाना। तो जैसे कि दोस्तों मैं बोली थी कि चिकन आज मैं सबसे एकदम अलग तरीके का मैं बनाने वाली हूँ, एकदम सबसे हट करके चिकन। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ये साबुत धनिया और सूखी लाल मिर्ची ले लिया है, और इधर मैंने गैस पर तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम तवा पर ये जो साबुत धनिया है इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर धनिया इतना ही हमें ततलाना है, इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ततलाना धनिया को। तो धनिया हो गया है, अब यहाँ पर ये साबुत लाल मिर्च को भी हम इसी तरह से तवा पर रोस्ट कर लेंगे। तो ये मिर्ची भी हो गया है दोस्तों, तो मिर्ची को भी अब निकाल लेते हैं। तो आज जो मैं चिकन बनाने वाली हूँ दोस्तों बहुत अलग तरीके के से बनाने वाली हूँ, एकदम मजा आ जाएगा। एक बार मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सिलवट्टा, और सिलवट्टे पर मैंने डाल लिया यहाँ पर अदरक और लहसुन। अच्छे से इन लोगों को मैंने साफ कर लिया है छील करके। आज मतलब जो मसाला है आज हम मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे, आज सिलवट्टे पर पीस करके वो मैं चिकन बनाने वाली हूँ दोस्तों, देखते रहिए। तो सबसे पहले ये अदरक को इस तरीके से हम थोड़ा सा केच लेंगे। तो इधर मैंने लहसुन अदरक पीस लिया है, और इधर सिलवट्टे पे मिर्ची और धनिया रखा है, अब इसको भी हम पीस करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों 1 kg चिकन। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे से इसको धो लिया है, और इधर गैस पर पानी डाल करके रख दिया था गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। तो चिकन को यहाँ पर सारा डाल दिया है दोस्तों, अब इसको एक उबाल तक हम आने तक इंतजार करेंगे। तो अब चिकन को हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है, ये देखिए। बस इसको एक उबाल आने तक हमें इतना ही बॉईल करना है चिकन को। तो अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए, तब तक हम चिकन अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन छान करके निकाल लिया है दोस्तों, और ये जो पानी में ये व्हाइट व्हाइट झाग जैसा है यही हमें बॉईल करके इसको निकालना था। कभी भी हम अक्सर चिकन को इसी तरह से धो करके डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से एक बार बना करके देखिएगा। इस तरीके से बना करके जो आप खाएंगे ना उसको आप अलग टेस्ट महसूस करेंगे। तो चलते चिकन को निकाल लिए हैं, अब इसको हम पानी को साइड में रख देंगे, फेंक देंगे। और इधर कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़ा मसाला ले लिया है दोस्तों 3 से 4 तेजपत्ता, 1 चम्मच भर के साबुत जीरा, और यहाँ पर खड़ा मसाला ले लिया है हरी इलायची, काली वाली इलायची, दालचीनी ये वाला ले लिया है, फूल भी ले लिया है, और 1 लाल मिर्ची सूखी वाली। और इधर हमारा तेल भी सरसों का अच्छे से गर्म हो गया है, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं ये खड़ा मसाला। अब यहाँ पर हम डाल लेंगे 4 मैंने प्याज लिए थे छोटे साइज का, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और प्याज को भी यहाँ पर हम डाल देंगे। अब प्याज को यहाँ पर हल्का कलर चेंज आ जाए तब तक हमें भून लेना है प्याज को। तो प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम डाल देते हैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से हल्का कच्चा को निकलने तक हम भून लेंगे प्याज के साथ। तो लहसुन और अदरक को यहाँ पर इतना ही हल्का ही भूनना है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं बॉईल किया हुआ चिकन। तो चिकन को अच्छे से चलाते हुए यहाँ पर हम भून लेंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डाल दिया यहाँ पर दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो हल्दी यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये जो हमने मसाला पीस करके रखा था लाल मिर्ची और साबुत धनिया इसको भी अब हम डाल देते हैं। तो अच्छे से ये मसाला को हम भूनेंगे, और साथ में डाल देते हैं यहाँ पर 1 टमाटर। टमाटर के छिलके मैंने हटा लिए हैं छील करके। जो मसाला का पानी है इसमें हम डालेंगे 1 काली मिर्च का पाउडर, और ये जो चिकन मसाला है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसको पानी में अच्छे से घोल लेंगे। इधर हम कढ़ाई में डाल देंगे, तो मसाला सारा यहाँ पर डल गया है दोस्तों। अब इसको हम
अच्छे से एक बार मिला देते हैं और ढक करके इसको हम लो आंच में हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इसको ढक देते हैं दोस्तों। अभी तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों। और ये देखिए चिकन में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखिए सूखा चिकन। तो आप यहाँ पर मसाला अच्छे से भुना गया है चिकन के साथ। तो हम आंच को यहाँ पर आप बढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़ा लहसुन ले लिया है, कली लहसुन की कलियाँ। अब इसको भी हम चिकन के साथ डाल देंगे और इसको एक बार हम इस तरह के अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हम चिकन को थोड़ा सा पकने के लिए हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस आधा गिलास। ये देखिए आधा गिलास पानी मैंने बचा लिया है। और इसको अब हम एक बार मिला देते हैं कि इसका जो मसाला है अंदर तक पूरा अच्छे से भीग जाए। अब इसको हम ढक देते हैं और इसको मीडियम आंच में कर देते हैं। तो अब चिकन को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए सूखा चिकन हमारा लगभग रेडी हो गया है। और ये देखिए दोस्तों चिकन पूरा एकदम अच्छे से पक गए हैं चिकन। तो इसको आप तेज आंच में हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए इसको और भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया कट कर लिया है। तो आधा आधा धनिया हम इसमें डाल देते हैं और आधा धनिया डालेंगे बनने के बाद। तो चिकन यहाँ पर रेडी हो गया है दोस्तों। तब यहाँ पर हम डालेंगे एक गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। अब इसको भी गरम मसाला को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो चिकन हमारा बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं। और इसको ढक करके हम गैस को बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सूखा चिकन मेरा बन करके रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों और फैमिली में। थैंक यू दोस्तों।